किशोरों को सुरक्षा कवच। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। देश भर में 15 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्र पर किशोरों का आना भी शुरू हो चुका है। देश भर में 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों की संख्या 10 करोड़ है, जिनमें से लगभग 8 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। साथ ही बात अगर यूपी की जाए तो ये किशोरों की संख्या यहां पर 1.40 करोड़ है, जिनके लिए 2150 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, यह बात भी निकलकर सामने आई है। लेकिन अभी ऐसे में जो सवाल है वो ये भी है कि आखिर 10 करोड़ का टारगेट है जिनको वैक्सीनेट करना है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन सिर्फ 8 लाख का हुआ है तो फिर ये टारगेट से बेहद पीछे रह जाता है। आखिर उस टारगेट को तक पहुंचेंगे कैसे, उस लक्ष्य को तय कैसे करेंगे, यह भी एक सवाल है। क्या ऐसे में सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या इस बीमारी को लेकर अभिभावक गंभीर नहीं है या उनके भीतर कोई संशय है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की कमी देखी जा रही है। साथ ही सरकार ने अब इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि अगर आपको अपने बच्चे का टीका लगवाना है तो आप सीधा केंद्र पर जाइए, वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराइए और हाथों हाथ टीका लगवा लीजिए। अगर आप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं तो अब आपको कुछ मुख्य बिंदु जीएफएक्स के जरिए से दिखाते हैं। वैक्सीन लगवाए हम आज से शुरू बच्चों के लिए वैक्सीनेशन। पंद्रह से अठारह साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। सात लाख 90,715 बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। देश भर में है 15 से 18 वर्ष के 10 करोड़ बच्चे। ओमिक्रॉन के आंकड़े 700 के पार हो चुके हैं और ये भी चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 4.59 के पार हो चुका है। टीकाकरण को लेकर अभिभावक गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की संख्या देखी जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत कम हुए हैं रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य विभाग के तय लक्ष्य से काफी पीछे हैं। हर जिले में पहले दिन यानी कि आज 50 से 60,000 टीके का टारगेट रखा गया है। पंद्रह से अठारह साल के किशोर को अब वैक्सीन लगेगी। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं अब उनका परिचय आपसे करा देते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं विनय कुमार सिंह, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, जो डायरेक्टर हैं एपेक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद के। स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे है कि वैक्सीन को लेकर वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुका है लेकिन रजिस्ट्रेशन बड़े कम हुए हैं, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये जो वैक्सीन है ये मोस्ट अवेटेड है और रजिस्ट्रेशन कम होने का एक जो मुझे मेन रीजन लग रहा है कि हो सकता है कि जो ये स्ट्रीम जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो स्ट्रीमलाइन ना हो पा रही हो या पोर्टल उतना सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन जो इसके बेनिफिशियरी हैं वो काफी हैं। 15 से 18 साल में काफी बच्चे आएंगे और मेरे हिसाब से ये अच्छी पहल है और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुत सारे करीब 20 से ऊपर कंट्रीज ने तो वैक्सीनेशन कर चुके हैं बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, अब
लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब हम हथियार के साथ हैं कोरोना के खिलाफ? देखिए राणा जी, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जागरूकता की कमी है कि बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में अभी हम बता दें, उत्तर प्रदेश में बहुत लोग जान ही नहीं रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ। सरकार को चाहिए कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए, जैसे BLO है और क्या नायब तहसीलदार गांव गांव ये सारे लोगों को कैंप लगा करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कराने की है। लेकिन सरकार तो अभी चुनाव में व्यस्त है। आज जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, जो लोगों के जीवन की लड़ाई है, उसमें सरकार कहीं ना कहीं पीछे है। यह BLO और नायब तहसीलदार को चुनाव की रैलियों की ड्यूटी के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन जो आज लड़ाई है जिसमें दो बार हम देख चुके हैं किस तरीके से लोगों के जीवन गए, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं रहे हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की असफलता नजर आती है, क्योंकि इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी तमाम ऐसे माध्यम है कि लोगों के बीच में पहुंचे। ऐसा नहीं है सब लोग को अपना जीवन प्यारा है, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचे तो उस तरीके से पहुंचाई नहीं जा रही है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह भी जुड़ गए। इंद्रजीत जी स्वागत है आपका। इंद्रजीत जी, विनय जी का कहना है कि आप चुनाव में बिजी हैं, अगर जागरूकता फैलानी है तो गांव गांव जाना होगा। जी मैं थोड़ा मैं अपना नाम क्लियर कर दूं। मेरा नाम है कैप्टन आईसी भदौरिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। जी अच्छा, माफ कीजिएगा, बताइए भदौरिया जी। अब आप अपना सवाल दोहराए। मेरा सवाल यह है कि विनय जी ने कहा है कि लोगों में जागरूकता की कमी है इसीलिए रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, तो बीजेपी के लोग तो चुनाव में बिजी हैं। नहीं, ये इनका कहना अपनी जगह है। ये तो उत्तर भारतीय जो बीजेपी का शासन जो भी कर रहा है, बीजेपी सरकार जो भी कर रही है, तो इनका काम है सिर्फ उल्टा उसके विरोध में बोलना। आप पहले ही दिन जो है जब इसकी घोषणा हुई थी तो पहले ही दिन 8 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। वो ये कहते हैं जागरूकता नहीं है, शायद इन्हें अगर पढ़ के नहीं आए हैं, जानकारी नहीं है, तो इन्हें गूगल पर जाके जानकारी ले लेना चाहिए कि अभी तक पूरे भारत में कितने इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जागरूकता आज सुबह तक 8 लाख, शनिवार से लेकर आज सुबह तक 8 लाख। हाँ जी, तो पूरे जो है ना डाटा पड़े हुए हैं, डाटा ले सकते हैं। तो वो जिनसे कहे सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें, कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें सराहना भी कर दिया करें। खाली ये नहीं है कि बस एक बना लिया है कि हमें तो विरोध करना है, अच्छा हो तो भी करना है, बुरा हो तो भी करना है। तो ये बहुत अच्छी पहल है देश के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की। समय से पहले हम आम वैक्सीन लेके आए, जब दूसरे देश बड़े बड़े देश, चाहे वो अमेरिका रहा हो, इंग्लैंड रहा हो, रूस रहा हो, फ्रांस रहा हो, ये लोग जब वैक्सीन नहीं लेके आ पाए थे उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री ने वैक्सीन इंडिया में उतार दी थी, अथक प्रयास करके 9 महीने में वैक्सीन लेके आए थे। तो उस टाइम भी इन लोगों ने विरोध किया था, उस टाइम भी कहा था बहुत जल्दबाजी में लाई हुई वैक्सीन है और ये कारगर नहीं है, ये पूरे मापदंडों में खरी नहीं उतरी है, तो उस टाइम भी यही लोग विरोध करने वाले थे। और आज जब बच्चों की हुई है तो उस टाइम भी कर रहे हैं, जबकि इन्हें बच्चों के प्रति जो है ना एक शो कॉर्नर होना चाहिए, अच्छी सोच बना के रखना चाहिए कि बच्चों की अब वैक्सीन हो रही है तो उसमें पढ़ चढ़ के जो हम भी इनका साथ निभाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वो तो नहीं है, बस कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि देश हित में कमियां ना ढूंढे, देश हित में तो अच्छी सोच बना के रखे, जिनमें क्योंकि आज के जो भारत है आज वो युवाओं का भारत है, तो युवा भारत पूरा सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। एक तो आप कहिए 5 मिनट के अंदर पूरे भारत में फैल जाता है। तो ये चीजें सोचना पड़ेगी, वो जो नेगेटिव फैलाने वाला समय निकल चुका है, अब नेगेटिव आप फैलाओगे तो आप पूरे नेगेटिव हो जाओगे। इस तरह की सोच, ठीक है, ठीक है, लोगों को बनाना ठीक है। राजीव जी ठीक है, मैं डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर राजीव जी, क्या कोरोना सच में एक बीमारी है या फिर इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर या वैक्सीन को लेकर जो अमीर देश हैं उन्होंने वैक्सीन की डोज को हड़प लिया है, गरीब देशों तक यह पहुंच नहीं रही है, तो क्या इसको भी कमाई का जरिया बनाया जा रहा है? देखिए, कोरोना एक नई बीमारी आई जो पिछले 2 साल से हमें
पूरे विश्व में और इवन इंडिया में भी बहुत नुकसान कर चुकी है। और इसका जो वायरस है कोविड-19 कोरोना वायरस, उसकी एक खास क्वालिटी और है, वो ना म्यूटेट करता रहता है। जैसे 2020 में जो वायरस का ओरिजिनल प्रकार था वो म्यूटेट किया 2021 में और डेल्टा वायरस हो गया। अभी वो फिर म्यूटेट किया जी। और इस समय जो ये ओमिक्रॉन है इसे CoV-2-11512 वायरस है, जो कि 32 म्यूटेंट वेरिएंट के बाद आया है जी। तो ये इस समय जो वायरस है ये इसकी इंफेक्टिविटी रेट बहुत ही ज्यादा है, और हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि जो वैक्सीनेशन जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कोई इसका कोविड का कोई भी ट्रीटमेंट वर्ल्ड में भी अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सके कि ये पर्टिकुलर एंटीवायरल ड्रग देंगे तो ठीक हो जाएगा जी। तो इसलिए यहाँ पे प्रिवेंशन ही जो है वो ही क्योर है। और इस वायरस का सिम्टम्स वाइज तो थोड़े माइल्ड है, निमोनाइटिस कम है, और बाकी तो इट इज ए मैटर ऑफ रिसर्च ऑल्सो, अभी रिसर्च भी चल रही है इस पे। और लेकिन सीवियरिटी को उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी कम हो सकती है एज कंपेयर टू डेल्टा वायरस, बट अगर इन्फेक्टिविटी रेट की बात देखी जाए तो इट इज 5 times एज पर WHO। तो 5 times मोर का मतलब ये है कि जो लास्ट 2021 की जो लहर आई थी उसका 5 times इंटेंसिटी आने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए पूरा प्रिकॉशंस ले रही है, लेकिन फिर भी सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। और एक चिंता का विषय जो इस समय पर 5 राज्यों में इलेक्शन है वो भी चिंता का विषय है जी। ये ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है राजीव जी? देखिए अभी ये एक रिसर्च का विषय ही चल रहा है, लेकिन जैसा अभी तक की रिसर्च आई है उसमें ये डेल्टा वायरस से कम है सीवियरिटी में, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ कोमोर्बिडिटी वाले पेशेंट्स को ज्यादा रहती है, चाहे वो कोविड के जो इनिशियल वायरस था 2020 वाला, चाहे डेल्टा था, चाहे ओमिक्रॉन है। इसमें जिन जो भी कोमोर्बिडिटी के साथ में, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, ओबेसिटी है, एल्डरली एज है, इन सब लोगों के लिए रिस्क ज्यादा रह जाता है, हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर कोमोर्बिडिटीज है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा जी। बिल्कुल भदौरिया जी, अगर 18 वर्ष से ऊपर वालों की वैक्सीन को लेकर भी बात की जाए तो उसमें भी आंकड़ा बड़ा अछूता है अभी, जो सेकेंड डोज ले नहीं पाए हैं। सेकेंड डोज आपने देखा होगा कि हमने अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा दी है, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा सेकेंड डोज हो चुकी है। फिर भी हमारी जहां हमारी पूरे प्रयास है भारत सरकार का, हमारे नरेंद्र भाई मोदी का, कि हर स्टेट में आपने देखा होगा जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वैक्सीन के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है कि अगर वहां बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहां वहीं पर वहां उनके कैंप लगवा दिए गए हैं। अगर कोई बस से आ रहा है तो उससे पहले उसका वैक्सीनेशन चेक किया जाता है, नहीं है तो उसको वहीं दिया जाता है। इसी तरह से रेलवे स्टेशनों पर इंतजाम रखा गया है। तो मैं चाहूंगा कि अदर स्टेट है जहां आमित सरकारें हैं उनको भी इसी तरह का तरीका अपनाना चाहिए और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कराना चाहिए। दूसरे प्रांत जहां प्रांतों में दूसरी सरकारें हैं वहां तो जवाबदेही उन्हीं की बनती है। भारत सरकार तो आपको हर सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, मगर वहां फील्ड में जो काम है वो तो वहां की सरकार। लेकिन समस्या तो ये है भदौरिया जी कि चिंता तो बहुत है कोरोना को लेकर और सरकार भी बड़ी सतर्क है, लेकिन उन रैलियों को कैसे रोका जाए जो चुनाव में भीड़ इकट्ठा होती है रैलियों में? उससे कोई सरकार डरने के लिए तैयार नहीं, उससे कोई राजनीतिक पार्टी डरने के लिए तैयार नहीं, लेकिन भाषणों में चिंता सबके पास है। बिल्कुल आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है, ये सुझाव आपका कहीं से कहीं गलत नहीं है, बहुत बढ़िया सुझाव है। अब इसमें बात यह आ जाती है कि चुनाव आयोग की सोच है कि चुनाव समय से होना चाहिए, और चुनाव आयोग ने जब ये मीटिंग रखी तो उसमें एक नहीं सारी राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि चुनाव मैं भी बिल्कुल बिल्कुल मैं भदौरिया जी मैं किसी एक को कह ही नहीं रहा हूं, मैं किसी एक को कह ही नहीं रहा हूं, मैंने इसीलिए बोला सरकार और राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि सबकी सहमति है चुनाव लड़ने की। बिल्कुल सही बात है।
और भाषणों में सबके पास चिंताएं हैं कि कोरोना फैल रहा है। इसमें राणा साहब इसमें एक चीज और है जी, कि कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम आती है तो ये तीसरा केंद्र के ऊपर सोचते हैं, मगर अपनी कहीं भी अपनी सूझबूझ बताए वो नहीं बताएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे सेकेंड वेव रहा हो, चाहे अभी ये ओमिक्रॉन हो, सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र मुंबई से, जहां कांग्रेस की सरकार है, और बंगाल में देखिए क्या हालत है, और दिल्ली में जो केजरीवाल बार बार आके टीवी पर मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते हैं हमने कोरोना हरा दिया, मैं आपका बेटा हूँ, और दिल्ली में देखिए कि सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के भी है, और सेकेंड वेव में ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में मौतें हुई थी। ठीक है, ठीक है, पहले केजरीवाल उत्तर भी कह रहे थे कि कोरोना पे हमने कंट्रोल कर दिया है और हमारी ये व्यवस्था। ठीक है भदौरिया जी, भदौरिया जी ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे पर आरोप लगाने से ना काम चलेगा ना कोरोना हारेगा। शुक्रिया आपका भदौरिया जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। विनय कुमार जी आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर राजीव त्यागी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देने से ना तो कोरोना हारेगा और ना ही लोग स्वस्थ हो पाएंगे। ये चिंताएं सिर्फ भाषण तक है, जिस दिन जमीनी हकीकत और ग्राउंड पर उतरकर ये आ जाएंगी उस दिन कोरोना सच में हार जाएगा। सिर्फ टीवी पर भाषण दे देने से या फिर किसी रैली में खड़े होकर भाषण दे देने से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उससे डरने की जरूरत भी है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, लेकिन रैलियों में आने वाली भीड़ से डरना जरूर पड़ेगा, तभी हम कोरोना पर जीत पा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों के मन में अभी भी संशय है, वो अपने बच्चों को लेकर नहीं जा पा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, वो उन संशय को दूर करें और बच्चों के साथ वैक्सीन लगवाएं, बच्चों को केंद्रों तक लेकर जाएं, क्योंकि जो ट्रायल में निकलकर सामने आया है तो एंटीबॉडी बच्चों में 1.7 गुना ज्यादा पाई गई है इस वैक्सीन के लगने के बाद से। इसलिए संशय को दूर करें और वैक्सीन लगवाएं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।